इन बढ़ना सर करके डिक्का लगता सी नट बढ़े नहीं गए थोड़ा जहा रह गया सर करके टाइम लग गया थोड़ा जहा पाने फिर दूजा ब्लेड हूँ सारे प्यार भरी सत श्री अकाल करते हैं वीडियो की शुरुआत फिर तो अज लगे सी रिपेयर कर मशीन बी सी एस वाली मशीन पठियाली अपनी तो वह जरा स्टैप जहाँ ब्लेड में जोड़ा हिला वा वो पिछले साल टुट गया तो उन्होंने किया कई बार वैल्ड क्योंकि वह तो फिर जोर पैंता जो पठे भारे होंगे तो वह फिर टुट जाता उदो तो वह फिर ले आता सी मेले तो आप दो दिन निकल गए उन्होंने रिपेयर करनी होया तो हूँ उन्होंने बढ़ना पैना कटना पहला क्योंकि वैल्ड किया हो फिक्स करता सी पक्का ही उन्होंने तो नाट टुट गया सी पिछले साल बेची हैड दे तो उन्होंने फिर बढ़ के चेंज करते हैं तो धुंद अज पूरी पै गई कल ही हजे गल्लां करदे सीगे भी धुंद घट पैंदी आ पर धुंद दा नुकसान बहुत आ रोडां दे उपर ते आलूआं नूं भी जिदा आपां स्प्रे कीती आ जिदा आपां कह दिंदे भी अंग मारी जिहड़े आ ना गिले हो के इहदे तणे जे आस विच ही लग लग के गलन लग जांदियां बेलां आलूआं दीआं ते बाकी चलो मौसम ने आपदे हिसाब नाल चेंज होणा ही आ ते ठंड भी अज महसूस होंदी आ हल्की हल्की हत्थां नूं ते बाकी मीह तां पिया नहीं सी क्योंकि जिवें आप कह सकते हैं भी सुकी ठंड शुरू हो गई है पैनी तो बाकी करदे आ कम स्टार्ट फिर मौसम ने तो इदा ही चली जाना करदे आ समान कट्ठा पहला कटर चाहिए आपां पहला तो क्योंकि जिहड़ा उहदा हैड दे उपर नट आ वह स्टैप वाला वह कटना पैना करते हैं मशीन स्टार्ट फिर तो लेके चलते हैं उत्थे क्योंकि उत्थे अपना समान जिहड़ा पिया वा सारा खुली जगह पर तो जिहड़ा आ वाला स्टैप इहनू कट लेना वा तो देख सकते हैं रिपेयर किया हुआ पूरा ठोक के काम इहदा आ जिहड़ा नट नट आ इहनू वढ़ना पैना आपां नूं तो ब्लेड सारा बाहर निकल आना तो ब्लेड नवा ही पा देना आपां तो काम थोड़ा जिहा तो करते हैं काम स्टार्ट फिर पहला क्योंकि इधरले पासों रुकदे आ पठे जदों तो एक उधरले पासे ब्लेड जिहड़ा ये टुटिया होया वा तो उधर पठे बढ़दी नहीं मशीन परसों की तो ब्लेड फिर सारा चेंज कर देना यह पहला नाल दा ही चलता है तो इहनू फिर पूरे नूं सैट नूं कर देने बदली मशीन ठंडी है क्योंकि एक तरह बाहर ही खड़ी है यह उत्ते ऊँ शैड तो हैगा वा पर फिर भी हवा जी इन लगती है ठंडी हुई लगती है इंजन फिर ठर जाता बाहर खड़ा पहला करते हैं ब्लेड बदली जड़ा यह पथरी लगी हुई है रगड़न लिए ब्लेड पा लें चार इंची तो ये बढ़ना सौखा फिर ये काम बहुत सेफ्टी वाला है ध्यान ना करने वाला है तो अणगहली नहीं कर सकते कटर से क्योंकि एक अपना उत्तर ये कवर भी लाया हुआ वा एनक जरूरी है
जो भी कटर चलाना आप जनरेटर चलाई तो जड़ा स्टैप अपना आ वाला तो इनू कटिंग कर लिया आपां तो इनू ब्लेड नू सारे हुण बाहर कढ लांगे। एक ब्लेड इत्थों भी टुटिया होया देख सकदे आ, आह ब्लेड भी इत्थों टुट गया सीगा फस के, क्योंकि माड़ी मोटी जिहड़ी रूड़ी राड़ी हुंदी आ खेत विच आ जांदी आ ते उहदे नाल फिर ब्लेड कई वारी टुट जांदा हुंदा ते बाकी घसिया होया सी थोड़ा जिहा ते इत्थों फिर पट्ठे बढ़दा नहीं सी इदां गुछ मुछ जिहे करके विच फस जांदे आ ते इह ब्लेड फिर सारा ही नवां पा देणा आपां हुण ते इधर दी तो इधर द यह बाहर निकलूगा तो नट भी यह जरा उपर बड़ा लाया से बढ़ता आप तेन कट दें पहला हूँ स्टैप न स्प्रिंग आ जड़ा हाँ अपना स्टैप का स्प्रिंग आदा बहुत रोल आ तो जे कि रोड़ी राड़ी आ जाए यह फिर कला ही स्प्रिंग खिंचया जाता ब्लेड छेती कर टुटदा नहीं है तो यू खोलना पैना आप घुमा के इनू खोल लें रिंच नाल चूड़ियां होंदियां वा जो अपना स्टैप आ इतने इनू इदा खोल लेना आप कम वाला बड़ा नहीं है तो स्टैप च पा के दोबारा इवें फिर कस देना तो यदा रोल बहुत आ स्प्रिंग का सस्पेंशन बनाई हुई है ये तो ब्लेड अपन बाहर क्ढना पैना ये खोलनी पैनी अपन इधर दाब इन्हें इदा निकलना नहीं गा तो पट्ठे कट्ठे कर दें माड़ी मोटी फिर नाल लग जाती है ब्लेड दो जी दाब आई खोलनी पैनी है फिर इन्हें इतों हैंडल ने बहर निकल जरा हैड है यह नहीं लगेगा ये ब्लेड वाला तो इन्हें फट के बहर कढ देना आप नट खोल दें यदा ठंड हैगी हाथ थोड़ा जहा घट कम करते थोड़ा जहा ध्यान कम करा तो नट भी थोड़ा जहा मिट्टी करके टाइट होया हो मिट्टी लग जाती है
लगे वा क्योंकि सारा कुछ ही इतने तिखा वा जिधर भी हाथ बज गया तो बचण का कोई चांस नहीं हाथ सट लगन के पूरे चांस है तो करके थोड़ा जहा ध्यान नाल करन वाला काम है। रेंचड़ ना भी खोल सकते इतने रेंचड़ जगह थोड़ी जी घट आ नहीं तो रेंचड़ ना सौखा हो जाता कढ़ना आपां नूं। ये नट थोड़ा जहा कसूती ही जगह पर लाया हुआ दाब वाला आ दिन चाह के मशीन का फायदा पता लगन लगता वा। एक तो दिन छोटे हो जाते हैं क्योंकि पट्ठे बढ़ने टाइम काफ़ी चाहिए होंगे वा जे तो दो चार भरिया वा फिर तो कोई बड़ा चक्कर नहीं है बह के बढ़े जाते हैं तो जे पट्ठे ज़्यादा हो फिर प्रॉब्लम आती है तो मशीन का फिर इतने आके सौख पता लगता वा क्योंकि वड्डी गल है भी जे तेले तुले भी होंगे पट्ठे तो कोई चक्कर नहीं है मशीन मूहरों सट नाल ही तेल झाड़ दिंदी आ। ब्लेड टुट गया सीगा ते इनू बढ़ना सीगा इहदे करके डिक्का लगदा सीगा ते नट बढ़े नहीं गए थोड़ा जिहा रह गया सीगा ते इहदे करके टाइम लग गया थोड़ा जिहा ते विच पाउणिया फिर दूजा ब्लेड आउणा आली जी होंगी आ रबड़ा पाइया होंदिया वा ये दोबारा फिर पैदा नहीं गिया तो एक बार कम कर दी तो पहली बार ये नाल दा ही जानी ओरिजिनली चलता सीगा तो पहली बार आपू चेंज कर लगे हाँ तो ये फिर जंप दई जा रबड़ा वा ना तो जो इधर हिलदा स्टैप इन्ना ही कम सीगा स्टैप का तो ब्लेड करता फिट तो नाटे के उपर कस देना तो जी दाब अपनी ये भी सिरे वाली कस देनी है तो कम हो गया खत्म। एक अपनी जी
चोक वाली आ जिन्हों आप बंद कर दें जी तो मशीन तो वो यदि वायर तो ये हैंडल जैक चेंज करने वाला सीगा तो वह भी कर दें चेंज। तो स्टैप में ब्लेड के उपर रख के इदा कस देना हैड के उपर तो नट ये उत्ते कस देना आप चेक नट कर देना नट यदा नहीं है तो बिच पाना भुल गए वो नट तो नट अपने को पाया से पहला नट ये भी ओरिजिनल ही पर इतने स्प्रिंग वासल चाहिए है पर इतने फिर आप चेक नट कर देंगे नट हैगा ये नट में कस के तो कर देंगे चेक नट। ये हो गया अपना स्टेप सेट है जेड़ा हैंडल सीगा है चोक वाला ये नट डिग पिया सीगा तो आह हैंडल तो पिया है फिर यह कंप्लीट ही मिलता है तो बरीक चूड़ी का नट है तो इनू फिर तारना भी पा के कर दें सैट भी जी यदि मक्खी जी आह ये ला ली आप इतने हाथ से बजती थी फिर टेप लपेड़ती थी बस एक हौल ही थी भी जो समान लियावे नाल ही इनू लै आवे तो बारी आ गई यदि फिर तार पा दें उत्तों की तो बाकी इन्हें खिंच लेना आप नट यदा कस दें मक्खी वैसे कह दें अपने जिम्मे स्कूटर के भी क्लच वाली तार पाने आप जी इनू फट के रख दिए तार नट कर दें पूरा टैट क्योंकि यह दोबारा मिलनी भी है नहीं अपन छेती लग गई कम कर देख सकते हैं सेट तो देखते हैं स्टार्ट करके फिर ब्लेड ब्लूड सारा ब्लेड ब्लूड सारा हो गया सैट तो इनू करते हैं स्टार्ट तो देखते हैं ब्लेड भी लगता तो नहीं क्या बिच स्टार्ट करके पता लगना जे तो कोई माड़ी मोटी सैटिंग हुई वो स्टैप की क्योंकि जी आप चूड़ियाँ कसिया सी तो वह आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं थोड़े बारे तो तकरीबन तो सैट ही होगा मशीन ठंडी है अजे
ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ। मशीन अपनी हो गया ओके तो काफ़ी टाइम का यह काम अलझा जहा तो अज इन करता कंप्लीट फिर तो हूँ मशीन नहीं हेल्दी क्योंकि ब्लेड का ही ज़्यादा काम मूहरे चलता वा तो जो पट्ठे भारे होंगे तो उदो फिर लोड पैंता तो बाकी इन्ने टाइम बाद स्टैप जी रबड़ा वह घसी जाती है तो 16 साल की अपने चलती सी मशीन ओरिजिनली ब्लेड सीगा चलता तो फिर कंप्लीट ही चेंज करता हूँ तो वीडियो कर दे बंद फिर अज की वीडियो किदा लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल में सबसक्राइब तो बैल आइकन वाला बटन दबना नहीं भुलना ता कि होर भी नवी नवी वीडियो मिलती रहन ओके धन्यवाद सारे का मिलता नवी वीडियो लेके।